हिंदुस्तान की आवाज़ न्यूज, हिंदुस्तान की आवाज़ न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बात करें तो जहेवर सेवा ट्रस्ट द्वारा एक जुबेस चलाई जा रही है और उसमें जुबेस को लेकर ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। जो प्रेस के हवाले, प्रेस के माध्यम से इन लोगों ने ऐसा कहा है कि अगर हमारी मांगे सरकार पूरी नहीं करती है तो हम कुछ ही दिनों में आंदोलन करेंगे और सड़कों पे उतर आएंगे। इसी बातचीत को लेकर हम सीधे उनसे आपको रूबरू करवाते हैं। क्या बात है, आइए आपको सुनवाते हैं। सर, तो आपने अल्टीमेटम दिया है, सरकार को दिया है कि अगर हमारी बातें पूरी नहीं हुई तो हम कुछ दिनों में उग्र आंदोलन करेंगे या रोड पर उतर आएंगे, ऐसे कौन से आपकी मांगे? हमारे जो मांगे हैं कि जो ड्राइवर्स हैं उनकी तनख्वाह और भत्ते सरकार निर्धारित करें। हमने 25,000 तनख्वाह और 9,000 भत्ता जो है ट्रांसपोर्ट में काम कर रहे हैं, भारी वाहन चालक जो ट्रक चला रहे हैं, बस चला रहे हैं, टैंकर चला रहे हैं, उनके लिए हमने मांग रखी हुई है। दूसरा है सभी प्रकार के ड्राइवर, चाहे टैक्सी वाला हो, ऑटो वाला हो, ट्रक वाला हो, टैंकर वाला, किसी प्रकार का ड्राइवर है, यदि दुर्घटना में उसकी डेथ हो जाती है तो उसके परिवार को 10 दिन के अंदर 12,00,000 का मुआवजा, प्लस उसकी औरत को 2,500 रुपया प्रतिमा पेंशन दी है। तीसरा है कि टैक्सी, ऑटो और प्रमुख टेम्पो के लिए जो है स्टैंड की व्यवस्था हो जिससे वो अपना रोजगार सही ढंग से चला सके। चौथा है ट्रक ड्राइवरों के लिए टोल टैक्सों पर पोस्टल बैलेट पेपर द्वारा मतदान की प्रक्रिया हो। पांचवा है कि पूरे देश भर के आरटीओ चेक पोस्ट को लागू किए हैं। इसी तरीके से हमारी जो मांगे हैं हमने सरकार को रखा हुआ है और 13 मार्च को हम लोग पूरे देश के ड्राइवर, स्कूल वर्दी के ड्राइवर को छोड़कर के बाकी पूरे देश के ड्राइवर शांतिपूर्वक अपनी हड़ताल करके। एक बात समझ में नहीं आ रही आपकी, आपने कहा कि पूरे देश के टोल बैक्स नाबूद किए जाए। आपको पता होना चाहिए कि सर जब रोड बूथ और टोल टैक्स हो गए तो टैक्स के पैसे आ गए और उससे सरकार चलती है, वो कैसे नाबूद करें? आरटीओ चेक पोस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, आरटीओ चेक पोस्ट जहाँ पर अदर राज्यों की गाड़ियाँ जाती हैं उनके पेपर चेकिंग के बहाने वहाँ पर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार होता है। आरटीओ मनमानी पैसा उनसे लेता है, नहीं दे तो 10,000 का चालान करता है, जिसकी वजह से वो हरेसमेंट होते हैं, मालिक भी परेशान है। कई बार जो है कई संगठनों ने जो है इसको नाबूद करने की मांग की, लेकिन अभी तक इसके पर ज़्यादा काम नहीं हो पाया। ये संघ आपने जो शुरू किया है आंदोलन, ये कब से शुरू है? ये 13 मार्च को हमने एक दिन का सांकेतिक हड़ताल का जो ऐलान दिया हुआ है, उसके बाद हम फिर अपनी रणनीति बनाएंगे अपने पदाधिकारियों से बैठकर। जो ये आपका ड्राइवर ट्रस्ट है ये गुजरात सीमित है और इंडिया? ये पूरे भारत भर में कार्यरत है और इसके बड़े लाखों सच्चा मिलकर समर्थक हैं और इसी समर्थक को लेकर के हम जुड़े सकते हैं। और ये 13 तारीख को आप यहाँ से शुरू करेंगे पूरे भारत? नहीं, एक दिन का है, पूरे देश में एक साथ राज्य समर्थक हूँ और हमने जो है अपने ड्राइवरों से जो है अपील की हुई है कि वो सरकार के अंदर जरूर उठे जिससे उनका भविष्य सुरक्षित हो। अगर आप गुजरात में अहमदाबाद में ये करते हैं तो कौन सी जगह होगी हड़ताल? यानी कि हमारा जो है उस दिन स्टेयरिंग पे नहीं बैठना, हमने ड्राइवरों को मैसेज दिया होगा कि स्टेयरिंग पे ना बैठ करके टीवी के सामने बैठ जाओ, फिर आपको अपनी ताकत दिखेगी। तो ये थे ड्राइवर सेवा ट्रस्ट के प्रमुख जिन्होंने कहा कि अगर 13 अप्रैल को दिन अगर हमारी बातें, 13 मार्च के दिन उन्होंने कहा कि अगर जो हमारी बातें सरकार नहीं सुनती है तो सरकार जो उन्होंने कुछ अपनी वादे लिखवाए हैं, उन्होंने एक प्रेस नोट भी आज जाहिर किया, अगर वो मुद्दे अगर सरकार एक्सेप्ट नहीं करती तो 13 मार्च के दिन ये लोग रोड पे आएंगे और उग्र आंदोलन करने की सिमकी दी। कैमरा पर्सन मिश्रा के साथ पारस राठौर, हिंदुस्तान की आवाज़, अहमदाबाद।